अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डबल एंगल फॉर्मूलों की डेरिवेशन के बाद अब बारी है हाफ एंगल फॉर्मूलों की। यहाँ पर अब जब हम हाफ एंगल पर वर्किंग करेंगे तो उसके लिए हम कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे, साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला और कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले अगर हम कॉस हाफ एंगल का फॉर्मूला मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और साइन हाफ एंगल का फॉर्मूला मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला मालूम कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम लिखकर आगाज कर रहे हैं। तो सिंस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। सिमिलरली अब हम इसी फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें इसके रूल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ 2 थीटा है, उसके मुकाबले में राइट हैंड साइड पर 1 थीटा है। मतलब जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर है, हाफ एंगल उसका राइट हैंड साइड पर है। तो अगर इधर 4 थीटा होगा तो यहाँ पर फिर 2 थीटा आ जाएगा। यानी अगर मैं इसी फॉर्मूले को और मजीद मुख्तलिफ शक्लों में मैं आपके सामने जाहिर करना चाहूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर cos 4 थीटा है, तो इट मींस कि अब राइट हैंड साइड पर 4 थीटा को हाफ करके लिखना पड़ेगा, और 4 थीटा को हाफ करने का मतलब है 4 थीटा को 2 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। तो जब आप 4 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 थीटा, यानी कि cos 4 थीटा का फॉर्मूला बनेगा 1 minus 2 sin square 2 थीटा। यही वजह है कि डबल एंगल फॉर्मूले कहलाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड पर जो आपको एंगल दिखाई देता है उसके मुकाबले में लेफ्ट हैंड साइड का एंगल हमेशा डबल होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पर आपको कोई cos 10 थीटा लिख कर दे तो हम राइट हैंड साइड पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें यहाँ पर कोई cos 5 थीटा लिख कर दे तो ज्यादा बात है 5 थीटा को हाफ करने के लिए 2 से अगर हम डिवाइड करें तो बनेगा 2.5 थीटा, यानी कि 2.5 थीटा। और आप जानते हैं डेसिमल वैल्यूज को हम लिखने से अवॉइड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिंपल 5 थीटा ओवर 2 लिखते हैं, यानी कि 1 माइनस। बिल्कुल वैसे अगर हमें यहाँ पर cos 3 थीटा लिखकर कोई देता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा ओवर 2। तो इन फॉर्मूले के मुताबिक जो भी एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उसको 2 से डिवाइड करके जो एंगल आएगा वो एंगल आपको राइट हैंड साइड पर दिखाई देगा। बिल्कुल वैसी अब अगर यहाँ पर cos 2 थीटा है तो उधर 1 थीटा है, लेकिन अगर यहाँ पर cos थीटा होगा तो उधर थीटा का हाफ, यानी कि थीटा ओवर 2 होगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये इधर माइनस में वहां जाके प्लस में हो जाएगा, और cos थीटा को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ प्लस में, वहां पर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 यहाँ पर आ गया, और cos थीटा वहां पे जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पर जाकर डिवाइड करेगा, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया ही इसलिए था ताकि इस स्क्वायर को खत्म कर सकें। तो फाइनली अब हमारे पास sin थीटा ओवर 2 का फॉर्मूला आने वाला है, इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा ओवर 2। और जाहिर सी बात है कि नॉर्मली थीटा एक्यूट एंगल को प्रेजेंट करता है, इस वजह से हम यहां पर ये वाला फार्मूला पॉजिटिव में ले सकते हैं, मगर आप जानते हैं हर वैल्यू का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसलिए इस डेरिवेशन में हम ये दोनों ही साइन यूज कर रहे हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को cos थीटा ओवर 2 के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला सेट कर सकते हैं जिसमें हर तरफ हमें cos दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल वैसे ही cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 1 के इक्वल होगा। उसके बाद 1 जो यहां माइनस में हम उधर उठा के ले जाते हैं ताकि प्लस में हो जाए, 2 जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पर जाकर डिवाइड करेगा। अब यहां से स्क्वायर खत्म करने के लिए और cos थीटा ओवर 2 का फॉर्मूला लाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और इसको हम घुमाकर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। तो जैसे यहां पर तरतीब में पहले 1 और बाद में cos थीटा लिखा है 1 माइनस cos थीटा, बिल्कुल वैसे हम चाहें तो उधर लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा। तो हम आसानी से बात याद कर सकते हैं कि साइन
थीटा ओवर 2 और cos थीटा ओवर 2 के फॉर्मूले में क्या चीजें सिमिलर हैं? एक तो रूट दोनों फॉर्म में मौजूद है, दूसरा न्यूमरेटर में 1 और cos थीटा है, sin के फॉर्मूले में sin हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 माइनस cos थीटा है, cos हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 प्लस cos थीटा है, और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 है रूट के अंदर। तो ये आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे उम्मीद है और अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह हम प्रूव करते हैं 10 थीटा ओवर 2 का फॉर्मूला।